नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टाइगर में। मैं हूं अनुज खई। क्या आप लोगों ने पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच देखा? नहीं देखा यार, आप तो कहेंगे कि कल तो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच हुआ, तो अब ये कौन सा मैच है जी? ये मैच खेला गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एक बैंटर देखने को मिली है जहां पे पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आपस में कहीं ना कहीं एक फनी बैंटर में कहीं ना कहीं उलझते नजर आए। क्या है वो बैंटर, बताते हैं आपको इस पूरे वीडियो में। दरअसल मैक्सवेल जो है बैंगलोर से खेल रहे हैं और उससे पहले पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे, जो कि पहले किंग्स और पंजाब हुआ करती थी। तो उसी का शुक्रिया अदा करते हुए बैंगलोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, जहां पे उन्होंने लिखा कि मैक्सिमम इन रेड एंड गोल्ड एंड ही नियरली हिट्स आउट ऑफ चेन्नई। अब देखिए, मैक्सिमम तो जरूर मारा है, लेकिन फोकस किस पे किया गया है? मैक्सिमम पे। तो सीधा सीधा इशारा था ग्लेन मैक्सवेल पे, क्योंकि अगर पंजाब रिटेन करती मैक्सवेल को तो शायद बैंगलोर को जो है खरीदने का मौका नहीं मिलता मैक्सवेल को। आरसीबी की टीम ने ट्वीट में यह भी लिखा कि थैंक यू पंजाब किंग्स, वी वुड हग यू इफ नॉट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। अब देखिए, कोरोना का दौर है, अब सारे प्रोटोकॉल्स का आपको ध्यान में रख के चीजें करनी है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे बैंगलोर ने सीधी सीधी एक और चुटकी ले ली है मैक्सवेल के तौर पे, कोरोना का भी उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया। तो कहीं ना कहीं पंजाब यहाँ से तो रुकने वाला नहीं था। एक तरफ उन्होंने देख लिया था कि मैक्सवेल के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चुटकी ले ली गई है, तो पंजाब भी पलटवार कर दो। पंजाब की तरफ से ट्वीट आता है कि थैंक यू फॉर गेल, केएल राहुल, मेंडी, सरफराज एंड मयंक अग्रवाल। देखिए, ये सारे प्लेयर्स खेलते थे पहले बैंगलोर से, तो अब पंजाब ये बताना चाह रहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया और अब ये सारे खिलाड़ी पंजाब के लिए खेल रहे हैं। अब आरसीबी को कहीं ना कहीं तगड़ा जवाब तो देना था, तो वो पीछे कैसे रहते? तो आरसीबी ने भी पलटवार में कहा कि यू मिस्ड जर्सी, हेलमेट, पैड्स एंड लोगो। अब कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फनी मैटर बनते जा रहा था, क्योंकि एक तरफ तो घमासान मुंबई और बैंगलोर के बीच चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये जब हमको बैंटर देखने को मिली तो दो गुना मजा हमको कंप्लीट एक एक पैकेज के तौर पे जो है कल का दिन रहा था एंटरटेनमेंट के तौर पर आईपीएल के द्वारा। अब ये जब चीज बैंगलोर ने लिख दी, तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐड करते हुए कहा कि बाय द वे, हु इज कीपिंग द काउंट बिटवीन अस। तो ये भी अब देख लीजिए कि अब सीधी सी बात है, जब इतनी कुछ बात हो गई है तो इसका कहीं ना कहीं जो लेखा जोखा है वो कौन रख रहा है। इसके बाद कहीं ना कहीं एक एक कोई ट्वीट हमको पंजाब की तरफ से देखने को नहीं मिला, लेकिन फनी बैंटर में कहूंगा कल की रही, कल के मैच के साथ साथ ये मैच जो सोशल मीडिया पे खेला गया, ऐसा ही एंटरटेनमेंट हमको चाहिए कोविड के दौर में। जब इतनी कुछ चीजें दुनिया में हो रही है, तो आई गेस एंटरटेनमेंट के तौर पे आईपीएल एक बहुत अच्छा सोर्स है काफी लोगों के लिए। स्पोर्ट्स टाइगर के साथ बने रहिए, धमाकेदार कवरेज जारी है आईपीएल की, वर्ल्ड क्रिकेट की। कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड स्पोर्ट्स टाइगर फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड क्रिकेट। दिस इज अनुज घई साइनिंग ऑफ।